हेलो जागृति क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है आप हमारी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं हेलो दिस इज जितेंद्र करवा एंड टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट आर द नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 1.2 एंड क्वेश्चन नंबर टू आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर टू तो पहले आप एक बार थोड़ा सा नोटिस कीजिए कि सर क्वेश्चन नंबर टू कहता क्या है सो प्लीज रीड द क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू कहता है फाइंड द एल सी एम एंड एच सी एफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एम इन टू एच सी एफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर सो द फर्स्ट पार्ट इज ट्वेंटी सिक्स एंड नाइन्टी वन तो क्लास सबसे पहले आपको क्या करना है आपको यहाँ पे क्या करना है सबसे पहले इन दोनों नंबर का एल सी एम और एच सी एफ निकालना है मैं इन दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालता हूं देखिए कैसे फॉर द ट्वेंटी सिक्स टू आई गॉट यटीन थर्टीन वन टाइम सो आई कैन राइट ट्वेंटी सिक्स एज टू इन टू थर्टीन इट्स फाइन ओके नाउ नाइन्टी वन अब नाइन्टी वन को डिवाइड कीजिए बताइए कितना आएगा नाइन्टी वन हम डिवाइड करते हैं थर्टीन से यू कैन गो ऑल्सो गो फॉर द सेवन आई गॉट एज अ सेवन एंड दिस विल बी सेवन वन टाइम आप नाइन्टी वन को सेवन से भी डिवाइड कर दोगे यहाँ पे थर्टीन आ जाएगा और ये थर्टीन आपका वन टाइम हो गया सो नाउ आई विल गोइंग टू राइट नाइन्टी वन एज सेवन इंटू थर्टीन सो क्लास नाउ जस्ट चेक अब आपको पता है हमने सबसे क्लास फोर्थ फिफ्थ सिक्स के अंदर ये सीखा था कि सर हम एलसीएम और एच प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये जो मैं यूज ले रहा हूं ना ये है मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैं एलसीएम और एच निकालता हूं तो अब मैं सबसे पहले आपको कहता हूं मैं कह रहा हूं एच सी एफ एच सी एफ क्या होगा इसका सर इन दोनों के फैक्टर्स में कॉमन क्या आ रहा है जल्दी से देख के बताइए इन दोनों के फैक्टर्स में कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास थर्टीन तो ये हो गया मेरा एच अब मैं बात करता हूँ सर एल क्या आएगा एल में सबसे पहले लिखते हैं सर जो कॉमन है वो लिख दीजिए दैट इज़ थर्टीन उसके बाद क्या हमारे पास पेंडिंग रह जाता है टू एंड सेवन तो इसको हम लिखेंगे टू इंटू सेवन टू इंटू सेवन ओके सर ये मेरा सर एल आ गया और ये मेरा एच आ गया अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर एक बार वेरीफाई करना है क्या वेरीफाई करना है हमें हमें ये वेरीफाई करना है कि एल सी एम इन टू एच सी एफ विल बी ऑलवेज इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द बोथ नंबर प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर तो हमारी चेक करते हैं यहां लिखते हैं हम वेरीफिकेशन एच सी एफ इन टू

और सेकंड नंबर हमारा कितना था 91 अब आपको चेक करना है क्या यह नंबर का प्रोडक्ट और इन दो नंबर का प्रोडक्ट हमारा सेम होता है देखिए 13 इंटू टू हो जाएगा 26 26 ट्वेंटी इंटू सेवन विल भी हमारा यह हमारा आ जाएगा टू थ्री सिक्स सिक्स और ट्वेंटी सिक्स इंटू नाइन्टी वन भी हमारे पास यहां पे यही आएगा टू थ्री सिक्स सिक्स तो क्लास में आपको एक चीज कह रहा हूँ आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन तो आई थिंक आता ही होगा बिकॉज यू ऑल बिलोंग टू द क्लास टेंथ अब मल्टीप्लीकेशन आप लोगों को आना चाहिए क्योंकि क्लास टेंथ के बच्चों को एल या मल्टीप्लीकेशन नहीं सिखाया जाता ठीक है ओके okay. तो यहाँ पर मेरा एल और एच का प्रोडक्ट और फर्स्ट और सेकेंड नंबर का प्रोडक्ट दोनों का सेम आया है तो यहां पे हम लिखेंगे हैंज वेरी फाइव आई थिंक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था आप लोगों को समझ आ गया होगा ओके okay. अब हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की ओके जस्ट वेट अ सेकंड इसी क्वेश्चन के हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं सेकंड पार्ट हमें क्या कह रहा है फाइन द एल सी फाइव वन जीरो फाइव वन जीरो एंड 92. टू okay. ओके तो सबसे पहले आप क्या कीजिए वापस 510 का एलसीएम लीजिए आप इसको 2 से डिवाइड कीजिए कितना आएगा जल्दी से जल्दी से गैस कीजिए ये आ गया मेरे पास 252 यस और नो ये मेरे पास आ गया टू फाइव टू ओके अब टू फाइव टू को वापस डिवाइड कीजिए किस से डिवाइड करें टू से डिवाइड कर दीजिए ये कितना हो जाएगा आपके पास वन ट्वेंटी सिक्स ओके ये हो गया हमारे पास वन ट्वेंटी सिक्स वन ट्वेंटी सिक्स को आप फिर टू से डिवाइड कर दीजिए ओके okay, देखिए यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई है छोटी सी गलती हो गई है देखिए कैलकुलेशन में ध्यान रखना होता है कैलकुलेशन में यहां पे हमारे क्या रहा फाइव वन जीरो और यहाँ पे हमें एलसीएम लेना है नाइनटी टू का ठीक है अब आप जल्दी से इसका कीजिए इसको अब मैं करता हूँ टू से डिवाइड ये आ गया मेरे पास टू फिफ्टी फाइव ठीक है अब टू फिफ्टी फाइव को आप कीजिए फाइव से डिवाइड किससे करेंगे टू फिफ्टी फाइव को आप करेंगे फाइव से डिवाइड तो मैंने इसको किया फाइव से डिवाइड तो ये मेरे पास आ गया फिफ्टी वन कितना आ गया बेटा फिफ्टी वन अब फिफ्टी वन किसके टेबल में आता है जल्दी से बताइए फिफ्टी वन अगर हम थ्री से डिवाइड करते हैं तो ये आ गया मेरे पास सेवनटीन और जब मैं सेवनटीन से इसको डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास आ गया वन ओके क्लास नाउ लुक एट यर अब हम बात करते हैं इसको हम करते हैं टू से डिवाइड 92 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो हमारे पास आता है 46. 46 को आप 2 से डिवाइड कीजिए तो हमारे पास आएगा 23. 23 को अगर आप ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इज़ अ प्राइम नंबर तो 23 को आपको 23 से ही डिवाइड करना पड़ेगा तब तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 510 वन ज़ीरो इज इक्वल टू टू इन टू फाइव इन थ्री और नाइन्टी टू को आप क्या लिख सकते हो नाइन्टी टू को आप लिख सकते हो टू इन टू टू ट्वेंटी थ्री ठीक है क्लास अब आप देखिए अब आपको क्या करना है सबसे पहले एच के लिए देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है सबसे पहले आप एच के लिए देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में अगर कॉमन देखा जाए तो ये टू का एक पेयर कॉमन आ रहा है उसके बाद और कुछ कॉमन आ रहा है क्या आपके पास नहीं अगर और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो ये हो गया आपके एच सी ठीक है अब हम बात करते हैं एल की अब हम बात करते हैं एल की एल में हमारे पास क्या कॉमन है देखिए सबसे पहले हमारे पास टू कॉमन है तो उसको रख देंगे टू फिर हमारे पास क्या रह जाता है देखिए आप लोग फाइव थ्री सेवेंटीन टू ट्वेंटी थ्री फाइव थ्री सेवनटीन टू ट्वेंटी थ्री तो ये मेरे पास एच सी एफ हो गया ये मेरे पास एल सी एम हो गया तो थोड़ा सा देखिए ओके अब मैं क्या करता हूँ वापस वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन के अंदर हम क्या करते हैं एलसीएम इनटू एचसीएफ एच सी एफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट इंटू टू ओके तो मेरा एलसीएम कितना था एच सी एफ मेरा था टू इंटू फाइव इंटू थ्री इंटू सेवनटीन इंटू ट्वेंटी सेवनटीन इंटू टू इंटू ट्वेंटी थ्री ठीक है अब मैं बात करता हूं मेरा फर्स्ट नंबर कितना था फाइव वन जीरो मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर नाइनटी टू अब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए और जल्दी से बताइए क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन आपको खुद को करना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन सिंपल है बेटा आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा दिस इज मल्टीप्लिकेशन का साइन है ये And this one is 23. करना क्या 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 है हमने सिर्फ यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हमारे 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 पास 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 था 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 फिर बचा ये आया था, 2 into 23, 2 into 23. और HCF का नंबर आ गया पास, 2. जल्दी से आप इसे सॉल्व कीजिए और आप चेक करोगे इसका आंसर हमारे पास क्या आता है फोर सिक्स 920 और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी हमारे पास ये आएगा 46920 इसका मतलब हमारा एलसीएम हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आरएचएस साइड तो ये हो गया हमारा हैंड्स वेरीफाई मतलब एलसीएम इनटू एचसीएफ विल बी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर तो फिर हमारा ये हैंस वेरीफाइड हो गया इसका मतलब ये पार्ट भी हमारे हो गया तो क्लास अब क्या करना है देखिए इसका जो थर्ड पार्ट है इसका जो थर्ड पार्ट है दैट इज थ्री थ्री सिक्स एंड फिफ्टी फोर यह आपका होमवर्क है क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है मैथ्स के अंदर अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे और सारे क्वेश्चन अगर मैं आपके लिए सॉल्व कर दूंगा तो आप प्रैक्टिस करोगे भी नहीं प्रैक्टिस बहुत जरूरी है मैथ्स के अंदर प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ठीक है तो ये थर्ड पार्ट इसका आपका होमवर्क आ जाता है अब मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री इससे भी ज़्यादा ईजी है क्वेश्चन नंबर थ्री इससे भी ज़्यादा ईजी है क्वेश्चन नंबर थ्री में हम क्या पढ़ते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है एल सी एम एंड एच सी फैक्टराइजेशन मेथड सिंपल सा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है हद से ज्यादा सिंपल है ये तो क्वेश्चन क्लास सिक्स में आया ही करता था इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है इसमें हमें ट्वेल्व फिफ्टीन एंड ट्वेंटी वन सबसे पहला पार्ट दे रखा है ट्वेल्व फिफ्टीन एंड ट्वेंटी वन तो कुछ नहीं करना है आपको सबका अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है प्राइम फैक्टराइजेशन करते वक्त ध्यान देना टू से थ्री से फाइव से अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है साइड में डिवाइड करके देख ले साइड में डिवाइड करके देख लेना लेकिन गलती मत करना कोई दिक्कत नहीं है सबसे पहले टू से डिवाइड करते हैं टू की टेबल में आ जाएगा हमारा सिक्स टाइम्स फिर हम वापस टू से डिवाइड करते हैं दैट विल बी थ्री और ये हम डिवाइड करते हैं थ्री से तो दिस विल बी वन ओके फिर हम बात करते हैं सर फिफ्टीन की 15 का मैंने किया प्राइम फैक्टराइजेशन तो मैंने इसको डिवाइड किया 3 से तो यहाँ पर आ गया मेरा 5 तो ये मैंने डिवाइड किया 5 से तो दिस इज इक्वल टू 1 फिर हम करते हैं इसको 21 से 21 की सबको पता है आपको 3 की टेबल में आएगा सर कितने टाइम्स सर सेवन टाइम्स तो सेवन टाइम्स हो गया हमारा वन ओके okay, अब हम क्या लिखते हैं इसका वापस इसको वापस लिखते हैं सर ट्वेल्व इज इक्वल टू टू इंटू टू टू थ्री तो एच सी एफ के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है बताइए एच सी एफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास ये रहती है कि सर सब में कॉमन क्या है तो आप देखिए सब में कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे टू नहीं है यहाँ पे फाइव नहीं है यहाँ पे सेवन नहीं है अगर आप देखोगे ये थ्री सब में कॉमन आ रहा है तो मेरा एच हो जाएगा थ्री बस बात खत्म एच सी एफ ओनली डील विद द कॉमन थिंग कोई चीज हमारी कॉमन है तो वो हमारा एच सी एफ है अब बात करते हैं हम एल सी एम की एल सी एम कितना आ रहा है थोड़ा ध्यान दीजिए सर जो भी हमारे बाकी रह गए क्या अभी भी किसी में दो का पेयर यहाँ पे ध्यान रखना एच सी एफ़ की पेयरिंग सबके अंदर से होनी चाहिए एच सी एफ इसमें भी थ्री होना चाहिए इसमें भी थ्री होना चाहिए इसमें भी थ्री होना चाहिए लेकिन अगर एल सी एम में किसी दो का भी पेयर बन रहा है तो पेयर बना लेना सबसे पहले एल सी एम में हमारा आता है एच सी एफ़ दैट इज़ थ्री फिर हमारे पास क्या बचा टू इन टू ये हमने किया टू इंटू टू इं फाइव इं सेवन तो देखिए टू टू टाइम्स थ्री टू दिक्स सिक्स टू झा सिक्स टू जा कितना होता है थ्री टू झा सिक्स सिक्स टू झा ट्वेल्व ट्वेल्व फाइव सिक्सटी सिक्स सेवन सा फोर टू जीरो माई आंसर ये अपना आंसर है बहुत ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है हद से ज्यादा सिंपल क्वेश्चन यही है ओके okay, अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है सेवनटीन ट्वेंटी थ्री एंड ट्वेंटी नाइन सेवनटीन ट्वेंटी थ्री एंड ट्वेंटी नाइन अब यहां पे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा क्या आपको वो इन चीजों के बारे में कुछ कॉमन लग रहा है कि सर सेवनटीन क्या है सेवनटीन प्राइम नंबर है तो सीधा वन टाइम ट्वेंटी थ्री क्या है सर ट्वेंटी थ्री इज़ ऑल्सो नॉट एनी अदर नंबर एक्सेप्ट एंड दैट इज़ ट्वेंटी थ्री तो ये आ गया वन टाइम और फिर हम कहते हैं ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन इज ऑल्सो प्राइम नंबर तो ये भी आया है ट्वेंटी नाइन के टेबल में ठीक है अब हमारा जो पैटर्न है हम उसी को फॉलो करते हैं hmm. उसी को फॉलो कीजिए सर सेवनटीन को मैं लिख सकता हूँ सेवनटीन को मैं लिख रहा हूँ सेवनटीन इंटू वन ट्वेंटी थ्री को मैं लिख रहा हूँ ट्वेंटी थ्री इंटू वन और मैं ट्वेंटी नाइन को क्या लिख रहा हूँ ट्वेंटी नाइन इंटू वन तो अब आप सब देखिए अगर मैंने इंटू वन लिखा है तो आपको एच सी एफ बहुत अच्छे से समझ आ गया अभी अगर आप लोगों को देखो एग्ज़ाम में बच्चे क्या कर देते हैं सर इनके अंदर तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो एच सी एफ क्या ज़ीरो लिख दें नहीं इसका आंसर होगा इसमें कॉमन देखिए क्या है क्योंकि वन तो सबका मल्टीपल में है ही है तो एच सी एफ हो गया वन और एल सी एम क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए सेवेंटीन इंटू ट्वेंटी थ्री इंटू ट्वेंटी नाइन अब इसके बात करते हैं क्या सर हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हाँ एब्सोल्युटली आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मल्टीप्लाई कीजिए आप साइड में कीजिए टेक योर टाइम डोंट हरी जल्दी ज़्यादा भागने में कोई फ़ायदा नहीं है मैथमेटिक्स नीड पेशेंस एंड कामनेस तो इसका आंसर आएगा डबल वन डबल थ्री नाइन आप आंसर पीछे चेक कर लीजिएगा बस मैं आपको यही कह रहा हूं कोई भी आंसर जब आप सॉल्व करो कोई भी आंसर जब आप सॉल्व करते हो तो उसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है बेटा कोई भी सिंपल सी कैलकुलेशन हो हैव पेशेंस डोंट रन भागने की जरूरत नहीं है भागे नहीं ये सारा प्रोसीजर तो मुझे आता है लास्ट में मैंने सेवनटीन इंटू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री गलत कर दिया हो गया खत्म जहां पे मार्क्स नहीं कटने चाहिए वहां पे आप मार्क्स कटवा दोगे सो विद दिस वी हैव दोगेटेड क्वेश्चन नंबर्स सेकेंड पार्ट ऑफ इट थर्ड पार्ट आपका होमवर्क है क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है हर पार्ट का एक सिंपल सा एक क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी ओके क्लास नाउ आई एम हेडिंग फॉर द फोर्थ पार्ट अब हम बात करते हैं चलो क्वेश्चन नंबर

इन दोनों का एच दे रखा है नाइन अब हमसे पूछा गया है इन दोनों का एलसीएम क्या होगा इन दोनों का एलसीएम क्या होगा तो एलसीएम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें वो जो पता है आपने वेरीफाई किया था एक वेरिफिकेशन के लिए आपने एक सिस्टम एक फॉर्मूला लिखा था दैट इज एच सी एफ इन टू एल सी एम

ये नाइन हमारे मल्टीप्लिकेशन में है आप सबको पता है कोई भी वैल्यू अगर हमारे मल्टीप्लिकेशन में होती है हमें वैल्यू निकालनी है एलसीएम तो ये नाइन हमारा चला जाएगा डिवीजन में दैट इज़ थ्री ज़ीरो सिक्स इंटू सिक्स फाइव सेवन डिवाइडेड बाय नाइन अब आप इसको डिवाइड कीजिए ये हमारे नाइन थ्री की टेबल से कैंसिल हो जाएगा दैट इज़ थ्री टाइम्स एंड थ्री जीरो सिक्स ये भी हमारे थ्री की टेबल से कैंसिल हो जाएगा दैट इज़ वन जीरो टू तो एक बार इसको वापस लिखते हैं वन जीरो टू मल्टीप्लाई बाय सिक्स फाइव सेवन डिवाइडेड बाय थ्री अब देखिए वन जीरो टू इज अगेन डिविजिबल बाय थ्री थ्री वन टाइम वन जीरो टू कितना हो जाएगा थर्टी थ्री प्लस वन थर्टी फोर तब हमारे पास कैलकुलेशन थोड़ी सी छोटी हो गई है थर्टी फोर इन सिक्स फाइव सेवन जो जितना कैंसिल होता है आप उतना कैंसिल कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अब आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अब मल्टीप्लाई कीजिए आप मल्टीप्लाई की करेंगे साइड में मल्टीप्लाई साइड में करने से कोई दिक्कत नहीं है तो हमारा आंसर इससे रहेगा डबल टू डबल थ्री एट मैं यहां पे कैलकुलेशन करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन आपको आता है सो द एलसी डबल टू डबल थ्री एट दिस इज योर आंसर राइट इट डाउन फास्ट ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है चेक वेदर सिक्स टू द पावर एन कैन एंड विद द डिजिट जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर एन ओके तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको गायब करते हैं चलिए भाई चाहिए आपका काम जितना था हो गया है अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव ये क्या बोल रहा है सिक्स टू द पावर एन ओके पहले आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए विद डिजिट जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर एन ओके okay, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इस क्वेश्चन को करने से पहले इस क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है तो आप लोग देखिए बेटा अगर मैं यहाँ पे n n की वैल्यू क्या है नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर आपको पता है कहाँ से स्टार्ट होते हैं वन टू थ्री फोर टू द इन्फिनीटी तो मैं क्या रखता हूँ सबसे पहले n की वैल्यू रखता हूँ वन तो मेरे पास आया सिक्स फिर मैंने एन की वैल्यू रखी टू तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा थर्टी फिर मैं एन की वैल्यू रखता हूँ थ्री तो ये मेरे पास आगे एक और नंबर आएगा एन की वैल्यू अगर मैं फ़ोर रखता हूँ तो मेरे पास एक नंबर और आएगा एन की वैल्यू अगर मैं फ़ाइव रखता हूँ तो मेरे पास एक नंबर और आएगा लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन ये है कि सर क्या मेरा नंबर इसको सॉल्व करने के बाद इसको सॉल्व करने के बाद किसी ना किसी के पीछे क्या ज़ीरो आएगा क्या मेरे ज़ीरो आएगा इसको सॉल्व करने के बाद लास्ट द यूनिट प्लेस शुड बी ज़ीरो तो सर क्या हम ये सारे सॉल्व करेंगे क्या हम इन्फिनीटी तक वैल्यू पुट करके पता करेंगे नहीं इसका एक सिंपल सा फंडा है ब्रैकेट के अंदर जिसके ऊपर पावर में एन दे रखा है ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू दे रखी है आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए क्या कीजिए उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ सिक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ टू इन थ्री टू इंटू थ्री टू इंटू थ्री लिख सकते हैं ये नो ओके अब मेरी बात सुनिए क्या हमारे ऑन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ सिक्स एन वी डॉट है प्राइम फैक्टर क्या इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर मेरे फाइव आ रहा है यस और नो भाई मुझे तो टू और थ्री में कहीं फाइव दिखाई नहीं दे रहा है अगर मेरा फाइव नहीं आ रहा है तो आंसर इज नो अगर फाइव आ रहा है अगर फाइव आ रहा है तो यस yes, कभी ना कभी इसका जीरो ज़रूर आएगा सो so, देखिए क्लास यहाँ पे क्या कहते हैं ऑन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ टू द पावर एन डज नॉट हैव फाइव एज एट वन ऑफ द फैक्टर ऑन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ सिक्स टू द पावर एंड डज नॉट है फैक्टर अगर ये फैक्टर नहीं मिल रहा है फाइव टू द पावर फाइव नहीं मिल रहा है सिक्स टू द पावर एन के अंदर तो हम इसे क्या कंसीडर करेंगे नो सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा नो इट विल नॉट एंड विद द डिजिट जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर एन समझ आया क्लास सिंपल सा फंडा है अगर यहां पे हमारा क्वेश्चन हो जाता जैसे फोर टू द पावर एन मैं आपको एक और दे रहा हूं फोर टू द पावर एन एन के कोई भी नेचुरल वैल्यू लेने पर एट द प्लेस ऑफ एन टेकिंग एनी नेचुरल नंबर क्या ये जीरो पे एंड होगा तो आप देखिए फोर को हम क्या लिख सकते हैं टू इंटू टू क्या हमारा इसके अंदर टू के साथ फाइव आ रहा है नहीं आ रहा है तो ये हमारा जीरो के साथ एंड नहीं करेगा सिंपल सी चीज है समझ आ गई और अगर यहां पे फाइव आ जाता तो हमारा आंसर हो जाता यस इट कैन एंड विथ जीरो बेटा ओके नाव आई एम एडिंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट ओके नाव वी आर यूजिंग ब्लैक पेन क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है थोड़ा सा ध्यान देना एक बार क्वेश्चन पढ़ते वक्त मैथमेटिक्स के अंदर बेटा क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है मैं अपनी पिछली क्लासेस में भी आपको बोल चुका हूं क्वेश्चन पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर सिक्स एक्सप्लेन वाई सेवन इंटू इलेवन इंटू थर्टीन सेवन इंटू इलेवन इंटू थर्टीन प्लस थर्टीन ये हमारा कंपोजिट नंबर है मुझे इसको एक्सप्लेन करना है ये हमारे कंपोजिट नंबर है अब सबसे पहले सवाल ये आता है सर मैं तो अभी प्रूव कर दूंगा कंपोजिट नंबर है या नहीं पहले ये तो बताओ कंपोजिट नंबर होते क्या हैं ये जानना बहुत जरूरी है मैंने हमेशा बोला कोई भी चैप्टर कोई भी क्वेश्चन के उनके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर कंपोजिट नंबर क्या होते हैं कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर होते हैं नहीं तो प्राइम नंबर के ऑपोजिट होते हैं वो भी होते हैं लेकिन थोड़े से एक्सेप्शन के साथ प्राइम नंबर क्या होते हैं बेटा जिनके दो फैक्टर्स होते हैं जिनके दो फैक्टर होते हैं तो वन एंड द नंबर इट अब हम बात करते हैं सर नंबर दोनों ही नहीं होता लेकिन हम बात कर रहे हैं वन को छोड़ के प्राइम नंबर जो भी है उनको भी ड्रॉप कर दीजिए प्राइम नंबर के अलावा सारे नंबर एक्सेप्टन दो से ज्यादा होते हैं वे जिनके दो से ज्यादा होते हैं मैं भी आपके सामने प्रूव करता हूं देखिए कैसे अगर आपके सामने फर्स्ट पार्ट ये दे रखा है तो क्या कीजिए थर्टीन एंड थर्टीन थर्टीन एंड थर्टीन इमन टेक थर्टीन एस ए कॉमन तो हमारे पास क्या रह जाएगा सेवन इंटू इलेवन प्लस वन सेवन इंटू इलेवन प्लस वन अब बताइए सेवन इंटू इलेवन कितना होता है सेवनटी सेवन प्लस वन सेवनटी सेवन प्लस वन सेवनटी सेवन प्लस वन कितना होता है सेवनटी एट ठीक है बेटा अब आप क्या कीजिए 78 के फैक्टर्स लिखिए टू इंटू थर्टी नाइन ठीक है अब मैं क्या लिख सकता हूँ थर्टीन इंटू टू इंटू थर्टी नाइन को क्या लिख सकता हूँ थ्री इंटू थर्टीन यस और नो तो एक बार आप चेक कीजिए इसके कितने फैक्टर्स आ गए हैं टू इंटू थ्री इंटू थर्टीन की पावर टू इंटू वन वन कंसिडर कर सकते हैं अगर आप वन कंसिडर करते हो तो देखिए हमारे पास कितने फैक्टर्स आ रहे हैं वन टू थ्री फोर हमारे कितने फैक्टर्स आ गए फोर मोर देन टू है या नहीं मेरा बस ये कंसेप्ट है क्या हमारे फैक्टर्स यहाँ पे मोर देन टू आ रहे हैं यस वी आर गेटिंग द फैक्टर्स मोर देन टू तो हमारे पास यहाँ पे चार फैक्टर्स आ रहे हैं तो हमारा ये नंबर क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर तो ये बोलेंगे हियर वी आर गेटिंग मोर देन टू फैक्टर्स सो कंपोजिट नंबर ठीक है नाउ वी आर हैडिंग फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन सेकंड पार्ट हमें क्या कह रहा है 7 इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू प्लस फाइव प्रूव कीजिए ये कंपोजिट नंबर है तो नंबर क्या है सेवन इंटू सिक्स सेकेंड पार्ट सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन प्लस फाइव तो सबसे पहले आपने जैसे फर्स्ट पार्ट में किया था सेकंड पार्ट में वैसे ही करेंगे क्या करेंगे सर वी विल टेक फाइव एज ए कॉमन थोड़ा तो इसको शॉर्ट करें वी आर टेकिंग फाइव एज ए कॉमन सो आई हियर आई गॉट सेवन इंटू सिक्स इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन प्लस वन तब आप शुरू हो जाइए सेवन इंटू सिक्स इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन जल्दी से कैलकुलेट कीजिए ये कितना होता है मैंने आपको क्या बोला अगर कैलकुलेशन थोड़ी भी टफ लगे तो साइड में आराम से रफ पेपर पे आप सॉल्व कर लीजिए तो हमारे पास यहां पे कितना आएगा वन जीरो जीरो एट प्लस वन वन डबल जीरो एट प्लस वन तोयर आई गॉट इट एज वन वन जीरो जीरो नाइन और इन टू वन हम लिख सकते हैं और yes नो no. किसी भी नंबर को वन तो फैक्टर होता ही है किसी भी वैल्यू का वन तो हमेशा फैक्टर होता है तो अब आप देखिए बेटा अब एक बच्चा बोलेगा सर वन डबल जीरो नाइन के फैक्टर्स कीजिए करके देखिए आपको थोड़ा सा आप सॉल्व करने बैठोगे तो आपको पता चल जाएगा वन डबल जीरो नाइन इज अ प्राइम नंबर तो इसके फैक्टर्स नहीं होंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं फाइव इंटू वन डबल जीरो फैक्टर्स आ गए हमारे पास थ्री वन टू थ्री एंड वी ऑल नो दैट थ्री इज मोर देन टू हमारे पास दो से ज्यादा फैक्टर्स आ गए तो हम क्या क्या लिखेंगे वी आर गेटिंग Here we are getting more than two factors, so it is a composite number. ये हमारा क्या हो जाएगा Composite number हो जाएगा ठीक है बहुत सिंपल सा hai बेटा थोड़ा सा पेशेंस के साथ questions को सॉल्व करते रहिए और मैथमेटिक्स के अंदर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और वो हमें करनी ही पड़ेगी ओके okay. now नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन that इज अरे अब तो हमारे पास लैंग्वेज प्रॉब्लम सोल्विंग क्वेश्चन है देर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड सोनिया टेक्स एटीन मिनट्स ओके तो क्वेश्चन नंबर सिक्स आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर सिक्स है ना ओके सेवन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेवन है सोनिया देर इज अ गर्ल हु एटीन मिनट्स एंड रवि take 12 मिनट्स तो क्लास आप सिंपल सा देखिए एक बार सिंपल से एक चीज समझने की कोशिश कीजिए हमारे यहां पे एक प्लेइंग ग्राउंड है इनके यहां पे भी है रवि और सोनिया दो स्पोर्ट्स पर्सन है दोनों एक ही जगह से एक ही डायरेक्शन में दोनों एक ही जगह से एक ही डायरेक्शन में एक साथ भागना शुरू करते हैं दोनों एक साथ भागना शुरू कर रहे हैं तो रवि एक सर्कल को 12 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लेता है रवि एक सर्कुलर राउंड को कंप्लीट करने में 12 मिनट लगाता है इन द सेम वे सोनिया टुक्स एटीन मिनट्स एंड रवि टेक्स ट्वेल्व मिनट तो हमारा क्वेश्चन ये कहता है जब दोनों एक ही पॉइंट से एक ही डायरेक्शन में भागना शुरू करते हैं तो वह वापे स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे दोनों एक ही पॉइंट पे सर्कुलर ग्राउंड के एक ही पॉइंट पे दोनों कब पहुँचेंगे ठीक है सिंपल सा सवाल है तो अब मैं आपको इसको सॉल्व करने से पहले बच्चों एक बात ध्यान देना एक ट्रिक बता रहा हूँ हर क्वेश्चन में एल कब लेना है एच कब लेना है इसकी एक ट्रिक होती है और वो आपको क्वेश्चन में दी गई होती है इसको कैसे करना आप देखिए मान लीजिए रवि श्रीमान रवि भागने में 12 मिनट लेते हैं पहला राउंड इन्होंने 12 मिनट में कंप्लीट किया तो हमारे सोनिया जी ने कितने में किया 18 मिनट्स के अंदर कोई दिक्कत नहीं है फिर हमारे रवि ने सेकेंड राउंड कितने में कंप्लीट किया ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व तो ये कितना हो जाएगा ट्वेंटी फोर तो रवि हमारे ट्वेंटी फोर मिनट्स लेगा ओके okay. सोनिया दूसरा राउंड कंप्लीट करने में एटीन प्लस एटीन कितना हो जाएगा थर्टी सिक्स मिनट्स हो जाएंगे इधर चलो सर कोई बात नहीं <coughs> सॉरी फिर हम वापस ट्राई करते हैं कि सर रवि ने जब थर्ड राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाया सॉरी <coughs> रवि ने ट्वेल्व मिनट्स और लिए तो रवि जब ट्वेल्व मिनट्स और लेता है तो हमारे पास यहाँ पे हो गया थर्टी सिक्स मिनट्स अब आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए इसको यहाँ पे थर्ड राउंड कंप्लीट करने में थर्टी सिक्स मिनट्स लगेगा और यहाँ यहां पे पहुंचेगा और हमारे सोनिया जी भी सेकेंड राउंड कंप्लीट करने पर यहां पहुंचेगी मतलब ओवर एग्जैक्टली आफ्टर थर्टी मिनट्स दे बोथ विल गोइंग टू रीच हि ये तो हो गई हमारे पास ट्रिक के सर हाँ हम समझ गए हमने क्या किया पहले ट्वेल्व का मल्टीपल किया ट्वेंटी फोर 36 थर्टी सिक्स फिर हमने थर्टीन के मल्टीपल्स बोले एटीन थर्टी सिक्स तो यहाँ पर आपका एक वर्ड आया मल्टीपल्स ये किसके हैं ये ट्वेल्व के मल्टीपल नहीं है ट्वेल्व वन जै ट्वेल्व ट्वेल्व वन टाइम्स ट्वेल्व टू टाइम्स ट्वेंटी फोर ट्वेल्व थ्री टाइम्स थर्टी सिक्स तो ये मल्टीपल्स आ रहे हैं अब मुझे आप बताइए एल सी एम और एच सी एफ में मल्टीपल वर्ड किसके अंदर आता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स हाइएस्ट कॉमन फैक्टर्स तो हमारे मल्टीपल्स आपको पता चल गया है कि हमें ट्वेल्व और थर्टी सिक्स के मल्टीपल्स निकालने हैं इसका मतलब एल सी एम निकालने हैं तो मैंने आपको ये क्वेश्चन दो तरीके से समझाया है एक तो अगर आप ऐसे राउंड बना के ट्वेल्व और थर्टी सिक्स ऐसे लिखते हो तो ऐसे कर लीजिए अदरवाइज जस्ट टेक द एल सी एम ऑफ ट्वेल्व एंड एटीन एंड यू विल गेट द वैल्यू एज थर्टीन आपको मैं एक ट्रिक और बताता हूँ कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कब एल निकालना है और कब एच निकालना है देखिए बेटा जब भी आपके माइंड में कभी अगर ऐसा आए कि सर ट्वेल्व के हमारा जो आंसर है ना वो बड़ा आएगा बड़ी वैल्यू के बराबर होगा या तो हमारा इस क्वेश्चन में देखिए क्या हमारा आंसर 18 हो सकता है क्या कि नहीं सर 18 मिनट में तो कैसे मिलेगा जो रवि है वो तो ट्वेल्व मिनट में ही सर्कल कंप्लीट कर लेगा फिर वो तो अगर एटीन मिनट में अगर सोनिया यहाँ पे पहुँचेगी तो रवि तो सिक्स मिनट में थोड़ा और आगे पहुँच जाएगा क्योंकि रवि तो कितना ले रहा है ट्वेल्व मिनट्स तो उसके आगे सिक्स मिनट्स और बचेंगे तो सिक्स मिनट्स में वो आधा और कम्प्लीट कर लेगा इसका मतलब हमारा आंसर बड़ी वैल्यू से भी बड़ा आएगा तब हमें हमेशा क्या लेना पड़ेगा तब हमें क्या हमेशा लेना पड़ेगा एल ध्यान रखना क्लास एल के केस के अंदर हमारे हमेशा जो बड़ी वैल्यू है बिग वैल्यू या तो वो आंसर होगा या फिर उसके मल्टीपल्स में आंसर होगा और जब एच सी एफ होता है एच सी एफ के अंदर क्या होगा या तो हमारी छोटी वाली वैल्यू आंसर होगी तो आप देखिए अगर मैं कहता हूं सर मैं एच सी एफ निकालने की कोशिश करा अगर हम एक बार ट्राई करते हैं कि सर क्या हम इस केस के अंदर एच सी एफ से सॉल्व करें चलो अगर कोई गलता बच्चा थोड़ी सी भटक जाता है गलती कर देता है तो देखिए उसका क्या होता है 12 मिनट्स के अंदर रवि यहां पहुंचा लेकिन सोनिया तो अभी तक यहीं पहुंची ना सोनिया का सर्कल कैसे कंप्लीट हो जाएगा 12 मिनट के अंदर यानी छोटी वाली वैल्यू तो आंसर हो ही नहीं सकती और एच सी के केस में क्या होगी या तो आपकी सबसे स्मॉलेस्ट वाली वैल्यू होगी जो सबसे छोटी वाली वैल्यू होगी या फिर उससे भी छोटा आंसर होगा और एल के अंदर या तो सबसे बड़ी वाली वैल्यू होगी या उससे भी बड़ी वैल्यू होगी तो जब आपको ये चीज का थोड़ा सा फर्क समझ में आ जाए के सर या तो छोटी वैल्यू या फिर उससे भी छोटी तो तो हमारा तो सी एफ एल सी एम के केस में सर बड़ी वाली वैल्यू या फिर उसके भी मल्टीपल्स तो वो क्या हो जाएगा एलसीएफ सो क्लास विद दिस वी 1.2 इसके साथ हमारी एक्सरसाइज वन पॉइंट टू आज कंप्लीट हो गई है अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज वन पॉइंट थ्री की अब हम बात करते हैं बेटा एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज 1.3 के अंदर हमें इ नंबर के साथ डील करना है किसके साथ डील करना है बेटा इ नंबर के साथ ये जो मैं क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं बेटा हर साल हर साल अभी तक टिल डेट रिकॉर्ड है आपके स्कूल के एग्जाम्स में जो भी आपके हाफ ईयरली क्वार्टरली वट एवर दे आर स्कूल के एग्जाम में या फिर प्री बोर्ड्स में या फिर आपके बोर्ड्स में मैं बोर्ड्स तक की बात कर रहा हूँ इसमें से या तो तीन मार्क्स का या फिर फॉर द फोर मार्क्स आइदर फॉर द थ्री आइदर फॉर द फोर श्योरली क्वेश्चन आता है श्योरली मतलब श्योरली तो ये क्वेश्चन तो आपको प्रिपेयर करना ही है तो इस क्वेश्चन को तो मिस करना ही नहीं है तो इस क्वेश्चन के बारे में हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट प्रूव दैट रूट फाइव इज एन ए नंबर क्लास इसके अंदर दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है अगर ये दो क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिए, तो चाहे कुछ भी हो जाए कोई कितनी भी वैल्यू चेंज कर ले आपका पैटर्न 90% परसेंट सेम है 90% परसेंट पैटर्न pa इसका बिल्कुल सेम है एज इट इज आपको फॉर्मेट के अंदर वैल्यूज पुट करनी है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं देखिए हमें बोला गया है प्रूव दैट रूट फाइव इज एन इेशनल नंबर तब हम क्या करें सर हम क्या करते हैं इसको बिल्कुल थोड़ा सा ऑपोजिट डायरेक्शन में जाके कोशिश करते हैं कि अगर हमने इसको ऑपोजिट प्रूव कर दिया तो तो ठीक अगर ऑपोजिट प्रूव नहीं हुआ तो हमारी ये कंडीशन फॉलो हो जाएगी इस चीज को एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा बहुत सिंपल सा तरीका है हमें बोला गया है इरेशनल नंबर और मैं इसका बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं रेशनल नंबर के सर मुझे नहीं पता ये इेशनल है या नहीं बट मैं इसको क्या करता हूं मैं इसको प्रूव कर देता हूं रेशनल नंबर मैं इसको रेशनल नंबर प्रूव करने की कोशिश करता हूं चलिए देखिए कैसे लेटर्स एज्यूम दैट रूट फाइव एज अ रेशनल नंबर मैंने बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जाके मुझे बोला गया था इरेशनल प्रूफ करो और मैं प्रूफ कर रहा हूं रेशनल नंबर अब देखिए लेटर्स एज्यूम दट रूट फाइव इज अ रेशनल नंबर रूट फाइव रेशनल नंबर को हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए बाय बी वेयर ए एंड बी आर बिलोंग्स टू द इंटीजर एंड बी शुड नॉट बी इज इक्वल टू जीरो तो हम यहां पे क्या लिखते हैं रूट फाइव को हम लिखते हैं ए अपॉन बी वेयर ए एंड बी आर को प्राइम्स एंड B इज नॉट इज इक्वल टू जीरो एक तो डिनोमिनेटर तो जीरो के बराबर होना ही नहीं चाहिए और A और B दोनों क्या है को प्राइम्स अब सवाल आता है सर ये को प्राइम्स एक नया वर्ड है अगर इसको हिंदी में बोले तो इसको हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य लेकिन हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं को प्राइम्स का मतलब क्या होता है ऐसे दो नंबर ऐसे दो नंबर जिनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो एक्सेप्ट वन वन के अलावा इनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए जैसे थ्री अपॉन फाइव ये थ्री और फाइव दोनों सेम नंबर से डिविजिबल नहीं है थ्री और फाइव दोनों सेम नंबर से डिविजिबल नहीं होने यहाँ पे नहीं है इन द सेम वे ए और बी भी दोनों सेम नंबर से डिविजिबल नहीं होने चाहिए तो ए और बी हमारे ए और बी दोनों के बीच में हमारे पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए चलो सर ठीक है कोई बात नहीं अब हम क्या करते हैं बेटा एक चीज़ बात हमेशा ध्यान रखना हम रूट के अंदर ज़्यादा ऑपरेशन नहीं लगा पाते जो कोई भी वैल्यू अगर स्क्वायर रूट के अंदर होती है तो हम उसके अंदर ज़्यादा ऑपरेशंस नहीं लगा सकते तो हम क्या करते हैं हम हमेशा रूट से बाहर आने की कोशिश करते हैं तो हम क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर द साइड और स्क्वायरिंग द साइड्स रूट फाइव का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा फाइव और ए अपॉन बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इट फाइन ओके अब हम क्या करते हैं हम इस बी स्क्वायर को उधर मल्टीप्लाई में भेज देंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव बी स्क्वायर इसे मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर वन इसे मैंने क्या मान लिया इक्वेशन नंबर वन अब इस फाइव को एक बार आप अपॉन में भेज के देखिए क्या हो जाएगा ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें एक से दो पेज लग सकते हैं लेकिन फॉर्मेट बिल्कुल सेम है इतना सेम पैटर्न है मैं आपको इसी टाइप का एक सेकेंड क्वेश्चन और करा के समझाऊंगा कि आपको पता चल जाएगा सिर्फ पैटर्न बिल्कुल सेम है सिर्फ वैल्यूज चेंज करनी है अब देखिए हमारे पास एक फंडामेंटल थियोरम हमें यह कहता है ए स्क्वायर हियर ए स्क्वायर इज डिविजिबल फाइव ए स्क्वा इज डिविजिबल बाय फाइव देन ए विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय फाइव इसका एग्जाम्पल देखना है तो देखिए आप कि सर टू इज डिविजिबल बाय टू यस वी ऑल आर वीर तो टू का स्क्वायर कितना है फोर सर फोर भी टू से डिविजिबल होगा आप देख सकते हो फिर हम एग्जाम्पल लेते हैं थ्री इज डिविजिबल बाय थ्री यस सर तो थ्री का स्क्वायर कीजिए नाइन क्या नाइन भी थ्री से डिविजिबल है यस सर आप देख सकते हो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर नाइन भी थ्री से डिविजिबल है इसका मतलब अगर किसी का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वह नंबर भी उस नंबर से डिविजिबल रहेगा ठीक है ये हमारा मैथमेटिक्स के फंडामेंटल थियोर के अंदर आता है तो अब देखिए ए इज डिविजिबल डिविजिबल बाय बाय देन विल आल्सो बी तो हम क्या लिख सकते हैं इज इक्वल टू फाइव सी सवाल आया सर ये फाइव सी क्या है फाइव तो आपने हमें समझाया था हाँ भाई ए इज डिविजिबल बाय फाइव लेकिन ये सी क्या है सी यहाँ पे क्या है देखिए मैं आपको सी किससे डिनोट करता है मैं एक बार ऐसा कीजिए आप ट्वेल्व को टू से डिवाइड कीजिए ये है। ये है आपको शो करने की जरूरत नहीं ये एग्जाम्पल है मैं आपको समझा रहा हूं यहां पे सी क्या डिनोट करता है अगर मैं ट्वेल्व को टू से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास कितना आएगा सिक्स टाइम्स विल बी हियर आई गॉट द रिमाइंडर एज अ जीरो तो मैं ट्वेल्व को क्या लिख सकता हूं मैंने आपको बोला था कि सर ट्वेल्व इज डिविजिबल बाय टू ट्वेल्व इज डिविजिबल बाय टू ठीक है कोई दिक्कत नहीं ये लीजिए ट्वेल्व इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई बाय सिक्स ये जो मेरा सिक्स है ये डिनोट करता है सी को जिसका मेरे यहाँ पे ज़्यादा रोल नहीं है इसलिए मैंने उसको किससे रिप्रेजेंट किया है सी से क्योंकि मुझे ए की वैल्यू पता नहीं है तो मुझे सी के वैल्यू के बारे में मैं नहीं बोल सकता लेकिन जैसे मुझे यहाँ पे ए की वैल्यू ट्वेल्व पता है तो मैं सी की वैल्यू आपको मैंने बता दी सिक्स रहेगी तो यहाँ पर आपको समझ आया ए इज इक्वल टू फाइव सी अगेन यहाँ पर हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हमने इसका स्क्वायर किया तो देखिए क्लास यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर फाइव का स्क्वायर कितना होता है ट्वेंटी फाइव और सी का स्क्वायर हो गया मेरे पास सी का स्क्वायर ओके दिस इज माय इक्वेशन नंबर सेकंड अब आपके सामने इक्वेशन नंबर वन भी है इक्वेशन नंबर टू भी है अब आपके पास इक्वेशन नंबर वन भी है और इक्वेशन नंबर टू भी है तो इक्वेशन नंबर वन में क्या था ए स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव बी स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव सी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर उसके बराबर भी है ए स्क्वायर इसके बराबर भी है तो हम यहां लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन सर ए स्क्वायर फाइव बी स्क्वायर के बराबर भी ये लीजिए फाइव बी स्क्वायर अगर ए स्क्वायर इसके बराबर है ए स्क्वायर इसके बराबर है इसका मतलब ये और ये दोनों बराबर हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं ट्वेंटी फाइव सी का स्क्वायर अब देखिए क्लास अब हमारे पास जो कंडीशन आई है फाइव फाइव वन टाइम्स ट्वेंटी फाइव हो गया फाइव टाइम्स तो हमारे पास क्या कंडीशन आई बी स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव सी स्क्वायर अब देखिए क्लास अगर आपको यहाँ पे याद होगा जब मैंने बी स्क्वायर यहाँ पे यहाँ पे क्या आ गया फाइव आ गया अब देखिए यहाँ पे आपको याद होगा पहले हमारे पास ए स्क्वायर अपॉइट फाइव आया था इस बार हमारे पास बी स्क्वायर अपॉइंट फाइव आया तो हियर आई कैन राइट एज बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय फाइव दैन बी वेल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय डिबल बाय फाइव अगर बी स्क्वायर फाइव से डिविजिबल है तो सर बी भी फाइव से डिबल हो जाए रुकी यहां पर कुछ लफड़ा हो गया है सर क्या गलती हुई है देखिए बेटा मैंने शुरुआत में आपको क्या बोला था कि ए और बी के अंदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अब आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए यहां पे मैंने आपको क्या बोला था शुरुआत में ए और बी के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए आपने बोला था यस yes सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है अब यहां देखिए फाइव ए विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय फाइव कोई बात नहीं अब थोड़ा और आगे आते हैं बी विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय फाइव सो हियर फाइव इज अ कॉमन फैक्टर बिटवीन ए एंड बी यहां देखिए ये स्टेटमेंट सब कुछ गलत कर दिया इसने हमारा जो हमारा एजम्सन था वो बिल्कुल गलत है उसका ऑपोजिट जा रहा है हमने शुरुआत में कंसीडर किया था कि सर ए एंड बी आर को प्राइम्स को प्राइम नंबर कौन से होते हैं जिन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए लेकिन हियर फाइव इज अ कॉमन फैक्टर बिटवीन ए एंड बी फाइव इज अ कॉमन फैक्टर बिटवीन ए एंड बी और ये ए अपोजेज आर एजम्पन हमने जो शुरुआत में माना था वो गलत आया है सो आर एजम्पन इज रॉन्ग सो आर एजम्पन इज रॉन्ग तो हमारा जो एजम्पन था वो गलत हो गया है हमने एज्यूम क्या किया था लेट रूट फाइव एज अ रेशनल नंबर अगर हमारा एजमिशन गलत हो गया है इसका मतलब वो रेशनल नंबर नहीं है देयर फोर रूट फाइव इज एन ए रेशनल नंबर हैंस प्रो हैंस प्रूफ तो इसके साथ हमारा ये प्रूफ हो गया ये भले ही दो पेज ले ले लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आना 100 परसेंट श्योर sure है ये एग्जाम में आएगा और आपके थ्री या फोर मार्क्स का 100 परसेंट आएगा और ये आपके मार्क्स पूरे के पूरे आएगा अगर आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हो अब मैंने आपको बताया था इसी क्वेश्चन को इसी क्वेश्चन को अगर कोई दूसरी वैल्यू आ जाए लेट सपोज वी हैम सोल्विंग फॉर द रूट थ्री देखिए बेटा मैं आपको सेम क्वेश्चन रूट थ्री के लिए सॉल्व करा रहा हूं विद इन अ मिनट हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 15 मिनट लगे आप जब बिल्कुल आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपके पांच मिनट में ये क्वेश्चन हो जाएगा और चार नंबर एकदम से आपके मार्कशीट के अंदर ऐड हो जाएंगे ध्यान रखना क्लास प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए अब देखिए मैं क्या करता हूं अब मैं करता हूं इसको मान लीजिए आपके यहां पर क्वेश्चन क्या था रूट थ्री लेट सपोज यहां पर आपका क्वेश्चन क्या था रूट थ्री ठीक है सेम एज इट इज प्रोसीजर चलना है लेट एस एज्यूम दैट रूट थ्री रूट थ्री इज ए रेशनल नंबर ठीक है यहां पे क्या आ जाएगा रूट थ्री इज इक्वल टू ए अपॉन बी वेर ए एन बी आई क्रो प्राइम्स एन बी इज नॉट इज इक्वल टू जीरो स्क्वायरिंग बोथ द साइड अगर मैं रूट थ्री का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास आएगा थ्री अगर मैं रूट थ्री का स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास आएगा थ्री ये थ्री अगर मेरा यहाँ जाएगा तो ये एज इट इज यहाँ पे रहेगा कितना हो जाएगा ये यहाँ पे थ्री हो जाएगा डिवाइड में भी कितना जाएगा? 3 आ जाएगा थ्री आ जाएगा ओके इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय थ्री इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय थ्री देन इट विल ऑल्सो भी डिविजिबल बाय थ्री तो फिर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा थ्री सी अब हम यहाँ करेंगे स्क्वायरिंग बोथ दिस साइड ए का स्क्वायर हो जाएगा ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर हो जाएगा नाइन यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर क्या हो जाएगा नाइन अब हम वापस यहाँ आते हैं अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या कंडीशन हो जाएगी फिर यहाँ पे हमारे पास कंडीशन ये हो जाती थ्री बी स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन सी स्क्वायर मैं यहाँ पे क्यों नहीं पहले से हमारे कैंसिलेशन हो चुकी है तो इसलिए आपको क्लियर दिल दिखाने के लिए मैं साइड में कर रहा हूँ थ्री वन टाइम्स थ्री थ्री टाइम्स तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री सी स्क्वायर ये मेरे पास आ गया बी स्क्वायर अपॉन थ्री इज इक्वल टू सी स्क्वायर मैं यहाँ पे वापस लिखूंगा इफ बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय थ्री

फोर रूट थ्री an irrational number. इसके साथ बेटा हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है ठीक है अब हम इसके बाद हमारा क्या रहेगा इसके बाद एक क्वेश्चन और रहेगा इसके बाद एक क्वेश्चन और रहेगा वो बहुत सिंपल सा है इसी तरह का क्वेश्चन है इसी तरह का क्वेश्चन है बस ठीक है इसी तरह का क्वेश्चन है लेकिन वो बहुत शॉर्ट फॉर्म में कंप्लीट हो जाता है देखिए क्या कहता है हमारा क्वेश्चन ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा प्रूव दैट थ्री प्लस टू रूट फाइव इज एन इेशनल इेशनल नंबर तो अब आप इस क्वेश्चन को समझने के देखिए इसमें क्या रहता है बहुत सिंपल है यह उसका ट्वेंटी परसेंट भी टाइम नहीं लेगा ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन का ट्वेंटी परसेंट भी टाइम नहीं लेगा पहले सबसे पहले डिफ्रेंशिएट कीजिए सर क्या मेरे को केवल रूट फाइव या रूट थ्री दे रखा है नहीं उसके साथ प्लस माइनस या फिर मल्टीप्लीकेशन में अगर कोई वैल्यू दे रखी हो सुनना मेरी बात ध्यान से अगर हमारे पास रूट के साथ जैसे रूट फाइव रूट थ्री रूट टू उस रूट के साथ कोई वैल्यू दे रखी है तो ये हो जाएगा हमारे शॉर्ट में शॉर्ट में कैसे देखिए ये हमें दे रखा था तो हम यहां पे इसको भी ऐसे ही करेंगे अस एज्यूम दैट थ्री प्लस टू रूट फाइव इज अ रेशनल नंबर तो रेशनल नंबर किसके फॉर्म में लिख सकते हैं हम ए अपॉन बी ए एंड बी आर इन टीजर आप को प्राइम भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है बेटा एंड बी इज नॉट इज इक्वल टू जीरो यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे आपको सिर्फ एक स्टेप करना है क्या स्टेप रहेगा वो आपका सिंपल से रूट फाइव को अकेला कर दीजिए और कुछ भी नहीं करना है सिंपल सा रूट फाइव को अकेला कर दीजिए तो रूट फाइव को अकेला करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ये मेरा ए अपॉन बी सबसे पहले मैं इस एल एच एस थ्री को उधर भेजूंगा तो मेरे पास आ गया माइनस थ्री तो यहाँ पे मेरा इसको जब मैंने LCM लिया तो मेरे पास ये आ गया ए माइनस थ्री बी अपॉन थ्री और यहाँ पे मेरे पास टू रह गया मल्टीप्लाई में अब ये जो टू मेरे मल्टीप्लाई में था तो ये उधर जाके कहाँ आ जाएगा डिवाइड के अंदर आ जाएगा येस और नो जो मेरे टू मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ गया जो प्लस में था वो मेरे माइनस में आ गया तो क्लास अब आप ध्यान दीजिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है विद इन स्टेप सिंगल दो स्टेप में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो यहाँ पर आप लिखिए देखिए हियर ए बी टू एंड थ्री आर द इंटीजर्स देखिए ए बी टू थ्री ये सारे नंबर क्या है हमारे इंटीजर्स हैं चलो सर कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं इंटीजर के अंदर कोई भी प्लस माइनस करता हूँ तो मेरे पास वो नंबर हमेशा रेशनल नंबर आता है क्या आता है रेशनल नंबर एग्जाम्पल ले लेते हैं सर थ्री बाय टू माइनस वन बाय टू मेरे पास रह गया टू दैट विल बी इज इक्वल टू टू अपॉन वन दैट विल बी इज इक्वल टू टू बाई वन दिस विल बी अ रेशनल नंबर सो अब देखिए ये हमारे पास आया पे तो ये हमारा रेशनल नंबर है तो ये नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है रेशनल नंबर दिस नंबर रिप्रेजेंट रेशनल नंबर सो अभी आई कैन राइट दैट सो ए माइनस थ्री बी अपॉन टू बी विल बी अ रेशनल नंबर अब आप खुद देखिए मजे के बाद यहां पे ये यह आ रही है बेटा अगर ये रेशनल नंबर है अगर ये नंबर रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसके सामने जो इक्वल टू में जो वैल्यू दे रखी है वो भी तो रेशनल नंबर ही होगा यस और नो भाई रेशनल नंबर अगर इज इक्वल टू के सामने कोई वैल्यू रखी हुई है तो वो नंबर भी क्या होगा दे फोर रूट फाइव विल ऑल्सो बी अशनल नंबर बट एज वी नो दैट जैसा कि हम जानते हैं रूट फाइव इज एन इेशनल सो आजशन इज रॉन्ग हमने जो माना था शुरुआत में वो हमारा गलत हो गया तो हमारा क्वेश्चन क्या था थ्री प्लस टू रूट फाइव इज एन ए नंबर हैंस प्रूफ तो इसके साथ बेटा मैं आपको समझा सकता हूँ जब भी हमारे पास कोई भी वैल्यू कोई भी इरेशनल नंबर के साथ प्लस में माइनस में मल्टीप्लाई में डिवाइड में कोई भी वैल्यू दे रखी हो तो हमें ये शॉर्टकट वाला मेथड यूज़ लेना है और अगर केवल रूट थ्री रूट फाइव रूट सेवन रूट इलेवन रूट थर्टीन अगर आपके साथ ये दे रखे होते हैं तो वो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ता है सो रूट सेवन एंड रूट इज़ योर होमवर्क ठीक है बेटा सो विद दिस टुडे वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज बाकी के जो भी पार्ट्स अगर एक्सरसाइज 1.2 में रिमेनिंग है वो इसी तरीके से सॉल्व होंगे और जो हमारा क्वेश्चन नंबर है अपॉन वो एज इट इज इस पार्ट की तरह सॉल्व होंगे सो विद दिस बेटा आज की हम क्लास ओवर करते हैं इट्स टाइम टू से गुड बाय आई जितेंद्र करवा फ्रॉम जागत्री क्लासेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्लीज हमारी ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और थैंक यू